हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। इंडिया बनाम वेस्ट इंडीज फर्स्ट टेस्ट आ चुका है और इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे इन प्लेयर्स के रीसेंट रिकॉर्ड्स, टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस, कैप्टनसी चॉइसेस और आपको यहां पर हम दिखाएंगे कुछ ऐसे मैचअप्स जिससे शायद आपको अपनी टीम बनाने में हेल्प कर जाए। ये मैच होने वाला है 12 जुलाई को रात में 7:30 बजे से और जैसे आपको पता है ये विंडसर पार्क में मैच होने वाला है। आखिरी मैच जो इस वेन्यू पर हुआ था बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज़ वो था जुलाई 2011, 12 साल पहले हुआ था। और लास्ट टेस्ट मैच जो इंडिया वेस्ट इंडीज़ के बीच में हुआ था वो 4 साल पहले हुआ था, अगस्त 2019 में। इस पिच के बारे में दोस्तों अगर कुछ बताएं तो यहाँ पर आप देखोगे विंडसर पार्क में बैटिंग बॉलिंग दोनों में सपोर्ट मिलता है, ठीक है। मैच का जो फर्स्ट डे होता है वहाँ पर पेसर्स को थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, पर उसके बाद स्पिनर्स भी काफ़ी प्ले में आते हैं और स्पिनर्स को यहाँ पर अच्छी खासी हेल्प मिलती है। अगर आप देखो तो यहाँ पर डे टू डे थ्री पे बैटिंग करने में बहुत मज़ा आता है एज पिच थोड़ा सा फ्लैटन आउट हो जाती है। तो जो भी कप्तान यहाँ पर पहले टॉस जीतता है, टॉस जीतकर बैटिंग करना पसंद करता है बिकॉज फोर्थ इनिंग्स में चेस करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की। तो इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, शुभमन गिल और जयसवाल ये होंगे होपफुल टॉप थ्री। जयसवाल यदि ओपन करने आते हैं जो हमें लग रहा है कि शायद राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन की वजह से हो सकता है, तो गिल बैटिंग करेंगे नंबर 3 पर। नंबर 4 पर आएंगे किंग कोहली, उनके बाद रहाणे जो कि रिसेंटली वापस लाए गए हैं एज वाइस कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम। इनके बाद भरत या ईशान किशन में से कोई तो एक स्टार्ट करेंगे, हमारे हिसाब से शायद ईशान किशन को यहाँ पर मौका मिल सकता है। इनके बाद आएंगे जडेजा और अश्विन जो इंडिया के दो इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स हैं फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट परस्पेक्टिव, और इनके बाद शार्दुल ठाकुर, जयदेव उनादकट और मोहम्मद सिराज। वेस्ट इंडीज़ की बात कर लें तो ब्रेथवाइट इनके जो कप्तान हैं ओपन करेंगे अलॉन्ग विद तगनाराइन चंद्रपॉल। इनके बाद नंबर 3 पर आएंगे रेमन बीफर जो कि टेस्ट मैचेस में अपनी बैटिंग के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं मोर देन इज बॉलिंग। नंबर 4 पर आएंगे इनके वाइस कैप्टन जर्मेन ब्लैकवुड फॉलोड बाय रकीम कॉर्नवाल जिनका रीसेंट डोमेस्टिक फॉर्म दोस्तों इतना रेड हॉट है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा क्यों कॉर्नवाल ने तबाही मचा रखी। इनके बाद आएंगे अलिक अतनास जिन्होंने हाल ही में हुए यूएई वाली गेम में अच्छी खासी स्कोर करी थी, फास्टेस्ट 50 करी थी मेरे हिसाब से, एंड ये रेगुलरली वेस्ट इंडीज ए के लिए भी खेलते हैं। इनके बाद आएंगे जोशुआ डिसिल्वा फॉलोड बाय जेसन होल्डर, अल्जारी जोसेफ, केमार रोच और शेनॉन गैब्रियल। दोस्तों वेन्यू होने वाला है विंडसर पार्क डोमिनिका। लास्ट टेस्ट मैच जो यहाँ पर हुआ था वो मई 2017 में हुआ था। अगर आप एवरेज इनिंग्स वाइज स्कोर देखो यहाँ पे तो फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर है 246 फॉलोड बाय 302 सेकेंड इनिंग्स में। एवरेज तीसरी इनिंग का स्कोर देखेंगे तो वो 222 है और एवरेज स्कोर फोर्थ इनिंग्स का रहा है 159 का, और ये क्लियर है कि यहाँ पर फोर्थ इनिंग्स में स्कोर करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जो 5 मैचेस खेले गए हैं वहाँ पर टीम बैटिंग फर्स्ट 2 बार जीती है, टीम बैटिंग सेकेंड 2 बार जीती है और ड्रॉ 1 गेम हुई है। पेस और स्पिन की बात करें तो यहाँ पर पेसर्स को थोड़ी सी मदद मिलती है अर्ली ऑन, बट इसके बाद इट इज़ स्पिन ऑल द वे, स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और आपकी टीम में भी स्पिनर्स दिखेंगे। शायद ये भी हो सकता है कि वेस्ट इंडीज़ अपनी टीम में एक्स्ट्रा स्पिनर लेकर चले। दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 10 मैचेस खेले हैं जिसमें से इंडिया 8 बार जीती है, 2 गेम ड्रॉ हुई है और वेस्ट इंडीज़ 1 भी मैच नहीं जीती है। देखते हैं दोस्तों प्लेयर्स का रीसेंट रिकॉर्ड जो कि है लास्ट 10 मैचेस का। रोहित शर्मा 17 इनिंग में 710 रन बना चुके हैं, जो हाल ही में WTC वाला गेम हुआ था वहां पर भी सेकंड इनिंग्स में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने। एवरेज 41.76 है जिसमें 250 और 200 है। रविंद्र जडेजा ने भी 250-200 स्कोर करे हैं लास्ट 10 टेस्ट मैच में, 16 इनिंग में 588 रन है इनके नाम। शुभमन गिल 18 इनिंग में 543 रन है इनके लास्ट 10 गेम्स में, और आप देखोगे विराट कोहली का रिकॉर्ड तो 17 इनिंग्स में 517 रन है। इसमें गिल के भी 200 हैं, विराट कोहली का 100 है, और आप देखोगे अक्षर पटेल जो कि 15 इनिंग में 501 रन बनाकर आ रहे हैं उनके नाम है 450, रहाणे के नाम है 350, 19 इनिंग्स में 483 रन। बात करें इंडिया के बॉलर्स की तो अश्विन ने लास्ट 10 मैच में 20 इनिंग में बॉलिंग करी है, 45 विकेट चटकाए। जडेजा के नाम भी 45 विकेट्स हैं, अक्षर पटेल के नाम है 32 विकेट्स, शार्दुल ठाकुर के नाम है 29 विकेट्स और मोहम्मद सिराज के नाम है 22 विकेट्स। बात कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स की तो ब्रेथवाइट ने 19 इनिंग्स में 859 रन बनाए हैं, ब्लैकवुड के हैं 17 इनिंग्स में 549 रन, चंद्रपॉल के हैं 11 इनिंग में 453 रन और जोशुआ डिसिल्वा के हैं 16 इनिंग में 380 रन। यहाँ पर दोस्तों ब्रेथवाइट की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी, ब्लैकवुड नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे एंड आपकी फैंटेसी टीम में भी इन दोनों में से एक प्लेयर पक्का होना चाहिए। चंद्रपॉल को आप चाहे तो अपना स्मॉल लीग टीम में आप ट्राई कर सकते हो, पर जोशुआ डिसिल्वा आपकी मेन हेड टू हेड टीम जो होगी वहाँ पर भी शामिल होने चाहिए बिकॉज इनकी वैल्यू एज अ बैटर काफ़ी ज़्यादा है और विकेट कीपिंग सेक्शन में वैसे भी टेस्ट मैचेस में कैचेस वगैरह मिलते हैं, तो जोशुआ डिसिल्वा की इंपॉर्टेंस वहाँ भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इनके बॉलर्स के बारे में डिस्कस करें तो अल्जारी जोसेफ ने 20 इनिंग्स में 39 विकेट चटकाए हैं, कॉर्नवाल के हैं 17 इनिंग में 34 विकेट, वॉरी केन के हैं 18 इनिंग में 32 विकेट। दोस्तों ये लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। केमार रोच के हैं 20 इनिंग में 30 विकेट और शेनॉन गैब्रियल के हैं 18 इनिंग में 20 विकेट। चलते हैं दोस्तों अब देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग मैचअप्स जो शायद आपको हेल्प कर जाए। अश्विन का मैचअप देखते हैं वर्सेज वेस्ट इंडीज बैटर्स। क्रेग ब्रेथवाइट के सामने 10 इनिंग में 4 बार आउट कराए इनको, 122 रन कंसीड करें।
ब्लैकवुड को 4 इनिंग में 3 बार आउट कराए और जेसन होल्डर को 6 इनिंग में 2 बार आउट कराए। देखते हैं जडेजा के रिकॉर्ड वर्सेज दिस वेस्ट इंडीज बैटर्स। तो ब्रेथवाइट 2 इनिंग में 1 बार आउट नहीं हुए जडेजा के सामने, बट ब्लैकवुड 3 इनिंग में 1 बार आउट हुए हैं और जेसन होल्डर 7 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं। देखते हैं अल्जारी जोसेफ के रिकॉर्ड वर्सेज इंडिया के बैटर्स। तो रोहित शर्मा को 2 इनिंग में 1 बार आउट कराए, विराट कोहली को 1 इनिंग में 1 बार आउट कराए, केवल 2 रन कंसीड करे थे 7 बॉल में और अजिंक्य रहाणे को 2 इनिंग में 1 बार आउट नहीं कराए। देखते हैं अब जेसन होल्डर के मैचअप्स अगेंस्ट द इंडिया बैटर्स। तो विराट कोहली को 6 इनिंग में 2 बार आउट कराए, रविंद्र जडेजा को 5 इनिंग में 2 बार आउट कराया और अजिंक्य रहाणे को 8 इनिंग में 1 बार आउट कराया। केमार रोच के मैचअप देखते हैं तो विराट कोहली अजिंक्य रहाणे दोनों को 4 इनिंग्स में 1-1 बार आउट कराया, जबकि रविंद्र जडेजा को केमार रोच ने टेस्ट मैचेस में 1 भी बार अब तक आउट नहीं कराया, 2 इनिंग में बोलिंग करी है वो। चलते हैं दोस्तों टॉप पिक्स की तरफ और इंडिया से जो आपको 5 प्लेयर्स कंसिडर करने हैं एज योर टॉप पिक्स, विराट कोहली, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, रवि अश्विन और मोहम्मद सिराज। गिल का रिकॉर्ड अपने को पता ही है कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिए, 16 मैच में 921 रन है इनके नाम एंड ये खेलेंगे नंबर 3 पर अगर जायसवाल खेलते हैं या ये ओपन भी कर सकते हैं। विराट कोहली का रिकॉर्ड जो है हेड टू हेड वाला काफ़ी बढ़िया है, वेस्ट इंडीज़ के सामने है 43 का एवरेज, ठीक है 200 है, 550 है 19 इनिंग में, कुल मिलाकर 14 मैच में 822 रन बनाए हैं एंड किंग कोहली आपकी टीम में पक्का होना चाहिए। इनके बाद आते हैं रविंद्र सिंह जडेजा जो कि अगेन एक बहुत ही लीथल ऑप्शन बन जाएंगे, स्पिन बॉलिंग यहाँ पर काफ़ी इनकी इफेक्टिव रहेगी प्लस बैटिंग के थ्रू भी वैल्यू कर सकते हैं। इनके बाद आते हैं रविचंद्र अश्विन जो कि वेस्ट इंडीज़ के सामने ना बैटिंग बॉलिंग दोनों में सुपरस्टार रहे हैं, बैटिंग करते हुए 11 मैच में 552 रन है, 400 इन्होंने स्कोर करे हैं वेस्ट इंडीज़ के सामने और बॉलिंग करते हुए इनके पास हैं 60 विकेट 11 मैचेस में। तो रविचंद्र अश्विन एक टॉप कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे और आपकी फैंटेसी टीम का एक टॉप पिक भी बन जाएंगे। इनके बाद फाइनली आते हैं मोहम्मद सिराज जो कि 19 मैच में 52 विकेट ले चुके हैं अपने करियर में और इंडिया की तरफ से भी क्रिटिकल पिक रहेंगे और आपकी फैंटेसी टीम में भी पक्का होने चाहिए। चलते हैं आप वेस्ट इंडीज की तरफ, यहाँ पर टॉप पिक्स में अगर आप देखोगे दोस्तों तो क्रेग ब्रेथवाइट, जेमेन ब्लैकवुड, रकीम कॉनवाल और अल्जारी जोसेफ, ये 4 पिक्स हैं जो आपको अपनी फैंटेसी टीम के लिए कंसिडर कर सकते हो। ब्रेथवाइट ब्लैकवुड में से पक्का एक प्लेयर को आपने लेना है। ब्रेथवाइट का रिकॉर्ड देखोगे वर्सेज इंडिया तो 22 का एवरेज है, 448 रन है, जबकि ब्लैकवुड का एवरेज इंडिया के सामने है 26 का। ब्लैकवुड ने इसके अलावा जो लास्ट 4 इनिंग्स खेली है डोमेस्टिक सीजन में वहाँ पर 250 भी स्कोर करें। तो दोस्तों आप ये कर सकते हो कि अगर ब्रेथवाइट बैटिंग फर्स्ट करें तो उनको आप बैक कर सकते हो और ब्लैकवुड अगर बैटिंग सेकंड कर रहे हैं तो वहाँ पर आप ब्लैकवुड की तरफ जा सकते हो। प्राइमरी रीजन यही है दोस्तों कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डे टू डे 3 वाली जो विकेट होगी वो काफ़ी ईजियर होगी टू बैट एंड उनमें हम होप कर रहे हैं कि इनको मौका मिल सकता है, तो ब्रेथवाइट ब्लैकवुड दोनों भी रन बना सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आते हैं रकीम कॉनवाल जिनका वेन्यू रिकॉर्ड तो बेहतरीन है बट करंट डोमेस्टिक फॉर्म भी बहुत ही उम्दा चल रहा है। लास्ट 10 इनिंग जो कॉनवाल ने खेली है डोमेस्टिक सीजन में अब आपको गिनाते हैं, 4 बार 5 या उससे अधिक विकेट लिए, 3 बार 4 विकेट लिए हैं, 1 बार 2 for लिया है और केवल 2 बार विकेटलेस हैं। बैटिंग में भी पिछले 10 इनिंग में 2 बार 50 स्कोर करी है और आपकी टीम का एक बेहतरीन पिक हो सकते हैं रकीम कॉनवाल। फाइनली अपनी टॉप पिक्स वेस्ट इंडीज़ की कंप्लीट करेंगे अल्जारी जोसेफ जो कि अगेन एक बहुत ही बढ़िया बॉलर है, इस गेम में भी काफ़ी क्रिटिकल रहेंगे और हम इनको बैक करके चलेंगे एज अ टॉप पिक। चलते हैं आप डिफरेंशियल पिक्स की तरफ और यहाँ पर रिकमेंड करेंगे चंदर पॉल को और गैब्रियल को। चंदर पॉल का आप रीसेंट रिकॉर्ड देखो जो वेस्ट इंडीज़ ए वर्सेज बांग्लादेश हुआ था वहाँ पर भी इन्होंने अच्छे खासे रन बनाए थे, इनफैक्ट लास्ट गेम में 83 की 2 पारी खेली थी, उसके पहले भी एक 50 स्कोर करा था और शेनॉन गैब्रियल की बॉलिंग भी यहाँ पर क्रिटिकल हो सकती है, अगर इनको बॉलिंग फर्स्ट मिलती है तो वहाँ पर चले जाना या फिर बॉलिंग सेकंड हो तो आप वेस्ट इंडीज़ से एक एक्स्ट्रा स्पिनर देख सकते हो बिकॉज यहाँ पर इनको करनी होगी 4th इनिंग्स में बॉलिंग और वहाँ पर हमें लगता है कि स्पिनर्स और ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। चलते हैं दोस्तों देखते हैं सेफ कैप्टनशिप पिक्स और यहाँ पर हम रिकमेंड करेंगे रविंद्र सिंह जडेजा, विराट कोहली और अश्विन को, तीनों ही लीथल ऑप्शन है इंडिया से और हम तीनों को बैक करके जाएंगे। डिफरेंशियल कैप्टनशिप पिक की बात करें तो शुभमन गिल को हम रेकमेंड करेंगे प्राइमरली अगर इनको अपॉर्चुनिटी जो मिलती है रन बनाने की तो एक बड़ा 100 आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों प्रीव्यू तो देख लिया, आप देख लेते हैं फटाफट क्या बनती है हमारी बेस्ट टीम। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास ऑप्शन ओपन है कि आप सिल्वा के साथ जा सकते हो या आप इंडिया की कीपर को भी पिक कर सकते हो। बैटिंग सेक्शन में हमने ब्रेथवाइट, गिल और कोहली इन तीनों को बैक किया है। रोहित शर्मा को फिलहाल हमारी बेस्ट टीम में जगह नहीं मिली है क्योंकि हम जा रहे हैं 4 ऑलराउंडर्स के साथ इन द फॉर्म ऑफ होल्डर, कॉनवाल, अश्विन, जडेजा और बोलिंग सेक्शन से हमने फिलहाल बेस्ट टीम में रखा है सिराज को और अल्जारी जोसेफ को। अब इस टीम में दोस्तों आप कर सकते हो मल्टीपल चेंजेस, जैसे हमने बताया था कि आप चाहो तो होल्डर को मिस कर सकते हो, उसके जगह आप सिल्वा को पिक कर सकते हो विकेट कीपिंग सेक्शन में एंड दैट विल गिव यू एन ऑप्शन टू पिक 1 more batter फ्रॉम इंडिया जो कि हो सकते हैं रोहित शर्मा। बॉलिंग सेक्शन में आपका जो 3rd bowler होगा वो डेफिनेटली इंडिया का एक और सीमर होगा जिनको आप पिक करके चलोगे और ये है दोस्तों हमारी बेस्ट टीम फॉर नाउ। फाइनल टीम आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही जैसे ही लाइनअप आ जाती है, टॉस इन्फॉर्मेशन आ जाती है और डेडलाइन से 10 मिनट्स पहले। चेकआउट करना मत भूलिएगा व्यू स्पोर्ट ऐप और वहीं पर आपको बाकी सारे गेम्स की भी फैंटेसी प्रीव्यू मिलती रहेगी, चाहे वो T10 हो, T20 हो, वुमेन्स हो, टेस्ट मैचेस हो या फुटबॉल हो, सब गेम कवर करते हैं व्यू स्पोर्ट ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करना मत भूलिएगा।
जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।